वेलकम फ्रेंड्स, श्वेता कुमारी यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने और कद्दू की सब्जी। जिसके लिए सबसे पहले एक कुकर लेंगे, पतीले को गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद 2 टीस्पून सरसों का तेल, 1/2 टीस्पून जीरा, सूखी मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 टुकड़ा तेज पत्ता, प्याज डालेंगे। मैंने 2 प्याज बारीक कटा हुआ इसमें ऐड किया है। इसे चलाते रहें, इसे गोल्डन कलर होने तक भूनना है। अब इसमें 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 सेकंड तक भूनते रहना है। अब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सब्जी मसाला, मैंने एवरेज का सब्जी मसाला लिया है। अब इसमें थोड़ी पानी ऐड करेंगे। पानी डालने से मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। अब इसमें चना डालेंगे। मैंने 2 घंटे तक चने को भिगो कर रखा था। आधी कटोरी मैंने चना लिया है। ये देखिए, चने को अच्छी तरह से भूनते रहें जिससे कि ये पतीले में चिपके नहीं। अब इसमें नमक ऐड करेंगे। मैंने 1/2 टीस्पून नमक लिया है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसमें हम कद्दू ऐड करेंगे। मैंने बारीक कद्दू कट करके इसमें ऐड किया है। इसे अच्छी तरह से चलाते रहें। 5 मिनट तक ही कद्दू को भुनना है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी कद्दू पानी छोड़ता है। अब इसे ढक देंगे। ढक्कन लगाकर इसे 4 सीटी लगने दें। अगर चना आपका ठीक से भिगोया हुआ नहीं है तो इसे 6 सीटी लगाएं। ये देखिए, हमारी सीटी लग चुकी है। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये देखिए, हमारी सब्जी तैयार है। गर्मा गर्म इसमें से भाप निकल रही है। अब इसमें धनिया ऐड करेंगे। धनिया इसमें डालने से इसकी स्वाद की जो रिचनेस है वो ज़्यादा निखर के आती है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये रहा हमारा गर्मा गर्म चने और कद्दू की सब्जी। इसे सर्व करेंगे। इसे फुलके, चपाती या पराठा, पूरी, आपको जो पसंद हो उसके साथ इसे खाएं। ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। इसे एक बार ज़रूर बनाएं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।